हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल. वेलकम टू फुलर फॉर्म. मैं पूजा पिपटू, लॉ फैकल्टी. आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है हमारे इस फिलर फॉर्म आप पर. ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यदि आप एन ग्रुप से, जैसे कि आपका हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन नहीं किया है आपने तो कर सकते हैं. साथ ही साथ हमारे पेपर वन के भी, पेपर टू के भी वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्सेज जो है वो चलाए गए हैं. यदि आप किन्हीं किसी अलग कोर्सेज में भी अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब लॉ के अलावा भी कहीं किसी और आप पेपर में ज्वाइन करना चाहते हैं, और कोई और आपका पेपर टू है तो आप कर सकते हैं. साथ ही साथ पेपर वन की भी आपको बहुत अच्छी फैकल्टी है, और उनके साथ भी मिलकर आप पेपर वन पेपर टू की तैयारी जो है वो कर सकते हैं. ठीक है, बात करते हैं आपको हमारे जिसी नेट के जिस इस ऐप से, जो हमारा फिलर फॉर्म ऐप है, वहां पर आपको फ्री के नोट्स मिलेंगे. मतलब यदि आपने कोर्स एक बार परचेज कर लिया है तो आपको नोट्स मिलेंगे, PYQ मिलेंगे विद आंसर, एंड 100% मॉक टेस्ट मिलेंगे. और यदि आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप कोड यूज कर सकते हैं पूजा 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा. हेलो रश्मि, गुड इवनिंग. ठीक है, अब मेरे को बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है. एक मिनट वेट कर लेते हैं. क्लियर? ओके रश्मि, ओके ओके रश्मि. एक 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैं थोड़ी सी जो हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या कुछ डिस्कस किया है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं तब तक. ठीक है, और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो आर्टिकल 24 तक है वो कंप्लीट हो चुका है. हम आज 25 to 28 तक कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, फिर हमारे जो है फंडामेंटल जो राइट है वो नेक्स्ट एक क्लास में वो कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, उससे रिलेटेड आपको जो पूरे केसेस हैं, केस की लिस्ट है, वो आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगी. साथ ही साथ एक क्लास जो है वो टोटली हमारी केस लॉस की रहेगी, वो एक क्लास रख लेंगे. और उसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें हमने सिर्फ साइलेंट फीचर देखे थे, तो उस टाइम भी फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर किया है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर हमने देखना है थोड़ा एक हमारा हमारे सिलेबस में क्या क्या है, तो हमने उसके बाद देखना है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में देखना है. और मैंने कुछ कुछ चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लिख के रखी हुई हैं कि हमें क्या क्या इसमें देखना पड़ेगा. इलेक्शन कमीशन देखना है, फिर हमारा यूनियन जुडिशरी, स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, इससे रिलेटेड हम सारे ही आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, और इमरजेंसी की कुछ प्रोविजन है उनको भी डिस्कस कर लेंगे. और हाँ, फिर उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें वही चीजें जो है पढ़ के चलना है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है. ठीक है, उसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक एक मेरे को लगता है कि एक हमारे 2 आवर की एक क्लास होगी, उसमें कंप्लीट हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है उसका नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है. कुछ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, वो कुछ ज्यादा नहीं है. ठीक है, हम उसको एक मतलब 2 आवर की क्लास होगी, उसको हमने डिटेल में उसको कवर कर लेना है. और जुडिशियल रिव्यू फिर हम नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए यदि हम धीरे धीरे करते रहे तो, क्योंकि मेन तो ये भी है हम सिलेबस को कवर करना, तभी तो हम MCQs को प्रैक्टिस करेंगे. क्योंकि हमारा 15 मई तक पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमने सिर्फ MCQ करने हैं और एक बार रिवीजन करनी बस. ठीक है,
हाँ अब स्टार्ट कर लेते हैं, और हमने आज तक क्या कुछ डिस्कस किया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने आर्टिकल 14 में हमने देखा था इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो प्रोविजन देखे थे आर्टिकल 14 में, और 15 में को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था 14 को भी। तो 15 के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो हमारा आर्टिकल जो आर्टिकल 15 है वो बात करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सेवरल ग्राउंड। कुछ ग्राउंड दिए गए हैं जो कि हमने देखे हैं कि आर्टिकल 15, जो आर्टिकल 15 जहां पर बात करी गई है, जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सिटीजन को ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी ग्राउंड्स पर क्या होगा वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। और उसके हमने कुछ एक चीजें देखी थी, जो हमारा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 है, 2 है, 3 है, ये सब जो था पहले से ऐड थे, लेकिन आर्टिकल जो सब क्लॉज 4 है उसे ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट से, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुई थी हमारी 1951 में, ठीक है, 51 में, और हमारी जो 15 सब क्लॉज 5 जो है वो ऐड किया गया था 93rd अमेंडमेंट 2005 में हुई थी, ठीक है, 2005 याद रखिएगा। और हमारा क्लॉज 6 जो है, 15 सब क्लॉज 6 जो है उसे ऐड किया गया है 2003rd अमेंडमेंट से, ठीक है, और जो कि 2019 में हुई है। और यहां पर मेनली ग्राउंड्स दिए गए हैं रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। और हमारा एक नैनसुख दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर बोला था कि जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल अलॉ जो प्रोवाइड करे, मतलब इस केस में क्या था कि कुछ एक कैटेगरी जो है वो मतलब बनाई गई थी कि इन इन पर्सन को ही क्या है राइट है वोट डालने का, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो कोर्ट है उन्होंने हेल्ड किया था, उसमें हेल्ड किया था कि ये जो ग्राउंड होते हैं, मतलब यदि आप रिलीजन के बेस पर कोई इलेक्शन करवा रहे हो तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो डिक्लेयर किया था, जो कि प्रोवाइड करे इलेक्शन जो कि बेस्ड हो सेपरेट किसी इलेक्ट्रॉल मेंबर ऑफ द डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी का, ठीक है। उसके बाद हमने एक केस देखा था डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत, ठीक है, जिसमें जो स्टेट मेडिकल कॉलेज था, और हमारा हाँ स्टेट मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट थे, उनको एडमिशन देनी थी, मतलब उसमें बोला था कि उनको एडमिशन उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो कि हमारे वहां के रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, मतलब वहां के रहने वाले हैं जो कि मध्य भारत के रहने वाले हैं। तो हमारे कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये वैलिड रूल ऑफ द स्टेट मेडिकल कॉलेज वेयर बाय द नॉन मध्य भारत, जो कि नॉन मध्य भारत है स्टूडेंट, उनको रिक्वायर्ड है कैपिटेशन फीस देने के लिए फॉर एडमिशन ऑफ कॉलेज। इसमें हेल्ड किया था कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो कि हमने ग्राउंड देखे हैं आर्टिकल 15 में, कि एक तो ग्राउंड देखा है रिलीजन का, रेस का, कास्ट का, और सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ रेजिडेंस की बात नहीं करी थी, मतलब प्लेस ऑफ रेजिडेंस की बात करी थी इस केस में, प्लेस ऑफ बर्थ की बात नहीं करी थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये वॉयलेट नहीं करता है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1, ठीक है। ये क्या कुछ हमने केसेस देखे थे, और उसके बाद हमने देखा था कि जो आर्टिकल सब क्लॉज 3rd है वो अलाउ करता है स्टेट को कि वो कुछ प्रोविजन है वो बना सकती है चिल्ड्रन और वुमेन के वेलफेयर के लिए। और हमारा जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 जो है वो बात करता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 29 जो प्रिवेंट करे फ्रॉम मेकिंग अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली बैकवर्ड, मतलब यहाँ पर यही बात बोली थी कि आप ही रश्मि है ना, और नहीं आ रहे, मैंने तो अनाउंसमेंट भी करी थी रश्मि, आपने भी देखी थी ना अनाउंसमेंट तो हुई थी, मतलब मैसेज तो सभी को गया होगा बट पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। आपको क्या लग रहा है रश्मि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्लास अच्छी नहीं लग रही है कि कोई और बात कि बिजी होंगे?
जो हमारा आर्टिकल हमारा 15 सब क्लॉज 4 है, वो बोलता है क्लास मस्त है। अच्छा रश्मि, हाँ क्योंकि आप ही हैं, बट शुक्र है कि आप हमारे साथ, जैसे रिकॉर्डेड भी देखते हैं ना, तो रिकॉर्डेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये तो ये है कि अपनी जब भी उनको टाइम लगेगा वो रिकॉर्डेड देख लेंगे, लेकिन यदि आप भी कनेक्ट हैं तो मैं ऐसे लगता है, लगता मेरे को ऐसे लगता है कि कम से कम क्लास तो चल रही, कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो दे रहा है, अदरवाइज तो फिर ऐसे हो जाएगा, मतलब मैं बोलती रहूंगी और फिर रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा, मतलब कॉपरेट करते हो ना आप भी। आपको क्लास लेना है मतलब, मेरे को तो क्लास लेना है, मेरे को भी तो क्लास चाहिए। अच्छा मतलब मैं समझी नहीं कि आपको क्लास लेना है। हाँ मेरे को तो लेना है, मेरे को भी तो क्लास लेना। अच्छा मेरे को क्लास लेना है, रश्मि बोल रहे हैं कि मेरे को भी क्लास चाहिए इसलिए वो ज्वाइन करते हैं, ये बोल रहे हैं। अच्छा तो मैं टाइम से, अच्छा हाँ ये बात तो है कि जिसको जरूरत होगी टाइम पर, मतलब वो कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे मतलब जब आप रिकॉर्डेड देखते हो ना, तो रिकॉर्डेड में ये होता है कि वहां पर जैसे मैं धीरे धीरे कुछ चीजें हूँ, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, तो वो स्पीड ज्यादा करके भी देख सकते हैं कि 2 आवर की क्लास है वो 1.5 आवर में ही खत्म कर लेंगे, है ना, तो ऐसा भी होता है। तो बोलते हैं कि आर्टिकल जो 15 से प्लस 4 है उसमें ये बोला है कि जो स्पेशल प्रोविजन है वो बनाए जा सकते हैं एससी एंड एसटी कास्ट के लिए और हमारे ओबीसी के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए। इसमें हमने कुछ केसेस भी देखे थे, एमआरजी बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, जिसमें बोला था कि रिजर्वेशन जो है वो एक्सीड नहीं की जानी चाहिए 50%, ठीक है। और हमारा एक और केस था हमारा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें दोबारा से फिर से यही बोला था कि रिजर्वेशन जो है वो एक्सीड नहीं की जानी चाहिए, और यहाँ पर ओबीसी के लिए रिजर्वेशन जो है वो दी गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, ठीक है, मंडल कमीशन बनाया गया था ओबीसी में रिजर्वेशन देने के लिए, ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 जो है वो ये बात करता है कि स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ, मतलब स्टेट जो है वो कोई भी प्रोविजन बना सकती है लॉ के अकॉर्डिंग, किस लिए, एडवांसमेंट ऑफ द सोशली और एजुकेशनली, मतलब ऐसे लोग जो ऐसे सिटीजन जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनकी एडवांसमेंट के लिए, ठीक है। बट वो क्या करेगी, ऐसे मतलब एससी एंड एसटी कास्ट के लिए वो कुछ प्रोविजन बना सकती है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिशन, कि वो रिलेट चाहे वो रिलेट करते हैं एडमिशन से और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, वो इंक्लूड इंक्लूडिंग द प्राइवेट एजुकेशन, ठीक है, वो इंक्लूड भी करते हैं प्राइवेट एजुकेशन को और अनएडेड बाय द स्टेट की, और चाहे वो एडेड है, एडेड का क्या मतलब होता है, जहां मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हो गए जिनको की गवर्नमेंट क्या करती है, एड देती है, ठीक है, फंड देती है, उसे बोलते हैं एडेड, और अनएडेड होते हैं कि जिनको गवर्नमेंट जो है फंड नहीं देती, ठीक है। तो बोला है चाहे उसको गवर्नमेंट फंड दे या ना दे, एड दे या ना दे, उन सभी के लिए कुछ ऐसे प्रोविजन बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बट क्या किन पर नहीं बनाएगी, अदर देन माइनॉरिटी, मतलब जो भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि बनाए जाते हैं हमारे आर्टिकल 30 के अराउंड, मतलब जो कि अपने माइनॉरिटी क्लासेस जो है वो अपनी अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहीं चला रही हैं, तो उनके अलावा जो भी अदर हमारे स्टेट के मतलब या तो प्राइवेट हो गए चाहे वो एडेड हैं या अनएडेड हैं, उन सभी के लिए क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट, क्या करेगी वो प्रोविजन बनाएगी। फिर बोला है सब क्लॉज 6 में ऐसी बातें बोली गई है कि एनी स्पेशल प्रोविजन बनाए जाए, कोई भी प्रोविजन बनाया जा रहा है स्पेशल प्रोविजन जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईवीएस को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है, और कोई भी ऐसा उसमें भी यही बात करी है कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है
उन सभी लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकती हैं, चाहे वो एडमिशन एंड एजुकेशन। यहाँ पर हम सिर्फ आर्टिकल जो 15 है वहां पर बात कर रहे हैं कि किसी के भी साथ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, और ज्यादातर आपको केसेस किसके मिलेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के और एडमिशन से रिलेटेड। बहुत ज्यादा केसेस हैं जो एडमिशन से रिलेटेड है कि किसी को एडमिशन नहीं मिली जी, रिजर्वेशन जला दी गई थी उस टाइम, मंडल कमीशन आया था ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन दे दी गई थी, और उसके बाद जब हमारा सब क्लॉज हमारा 6 आया, नहीं सब क्लॉज 5 जो आया, ठीक है, जो हमारा सब क्लॉज 5 है उसमें ये बोला गया कि जो ईवीएस कैटेगरी है उसके लिए भी, जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि मैंने उस दिन भी बताया था, ईवीएस में कौन आते हैं कि जो कि जनरल, जैसे कि एससी के लिए तो रिजर्वेशन है, एसटी के लिए भी है और ओबीसी के लिए भी है, मतलब है ना, तो कुछ जनरल के लिए रिजर्वेशन नहीं है, है ना, तो रिजर्वेशन जनरल वालों को कहाँ मिलेगी, उनको ईवीएस, जो भी गरीब लोग हैं जो कि मतलब थोड़ा कम कमाते हैं, थोड़ी कम आय है उनकी, उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा और उनको 10% जो है वो रिजर्वेशन दी जाएगी। ठीक है, और यहां तक हमने, हाँ, जो इकोनॉमिक वीकर उनको, हाँ, जो कि इकोनॉमी मतलब जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, मतलब कोई भी पर्सन जिसके घर में क्या है कि जॉब गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और इकोनॉमिकली थोड़े वीक है, ठीक है, उनको चाहे वो ये सब जो ईवीएस आता है ना, वीएस जो कैटेगरी है, मतलब ईवीएस का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आप देखेंगे तहसील वगैरह में सर्टिफिकेट भी बनता है, तो हमारा 1 मिनट, ईवीएस, हाँ ईवीएस, 1 मिनट, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, वहां पर जैसे तहसील में सर्टिफिकेट भी बनता है, और जो ईवीएस का सर्टिफिकेट होता है ना, मतलब उसको बनाने का जो परफॉर्मा है, वहां पर साफ साफ लिखा है कि ईवीएस का सर्टिफिकेट वही लोग बना सकते हैं जो कि ओबीसी में नहीं आते, जो एससी में नहीं आते, वो एसटी में नहीं आते, और ईवीएस स्पेशली रिलेट करता है जनरल कैटेगरी से, जिनको कि कहीं रिजर्वेशन नहीं दी गई है, यदि वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वीक है तो उनको ईवीएस की कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसमें 10% ऑफ मिलेगा उनको, मतलब 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, हाँ, उनको जनरल में, हाँ जी रश्मि, और यही सब हमने देखा था आर्टिकल 15 में। ठीक है, सब क्लॉज सभी को डिस्कस कर लिया है और हम देखते हैं कि हाँ यही देखा था हमने, और बट फाइनेंशियल वीक, हाँ जनरल होने चाहिए बट फाइनेंशियली वीक, उसका भी ना एक सर्टिफिकेट बनता है कि आप मतलब तहसील वगैरह में कि यदि आपकी आय जो है वो पता नहीं अब कितनी होगी, लेकिन वहां पर पूरा सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि आपकी 1 साल के अंदर जो है वो 1 ईयर में आपकी 1 लाख से कम होनी चाहिए आय, 1 लाख नहीं है शायद 3 लाख हुए, हाँ 3 लाख से कम है तो आप ईवीएस का सर्टिफिकेट जो है वो बना सकते हैं, चाहे आप जो भी जैसे जनरल कैटेगरीज में कौन कौन आते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वही लोग जो है वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इस ईवीएस का फायदा जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारा 16 आर्टिकल जो हमने देखा था, वहां हमने देखा था कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोला है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सिर्फ किस मामले में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में। ठीक है, आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं कि सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट की जॉब के बारे में यहां पर बात की गई कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी। ठीक है, कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस, किसी भी ऑफिस में आप अपॉइंटमेंट कर, मतलब आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है या आप कहीं भी एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपको मतलब सब जगह मतलब क्या होगा, इक्वलिटी मिलेगी आपको, कहीं भी आपके साथ कहीं भी किसी भी ग्राउंड पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा, सब आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, जिसमें सब क्लास सेकेंड जो है वो बात करता है नो सिटीजन, किसी भी सिटीजन को ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली द रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट
और हमारा प्लेस ऑफ बर्थ रेजिडेंस इस मामले में किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। और जो हमारा थर्ड है 16 सब क्लॉज 3rd, ठीक है, यहाँ हमने देखा कि सभी लोगों को क्या दी जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सब क्लॉज 2 में हमने देखा कि ग्राउंड दिए गए हैं कि इस इन ग्राउंड्स पर जो कि हमने देख लिए हैं कि रिलीजन का सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड्स पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा जब बात आएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और सब क्लॉज 3 जो है वो बात करता है नथिंग दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, मतलब ये आर्टिकल कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ बना सकती है किस लिए, कि प्रेस्क्राइबिंग इन रिगार्ड क्लासेस और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस और गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज विद इन द स्टेट, की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है किस लिए, कि किस रिगार्ड से, कि कोई भी जो क्लास ऑफ पर्सन है जो हमारी रेजिडेंस विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, जो कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट है पार्लियामेंट है, वो इस रिलेटेड में मतलब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इससे रिलेटेड कोई भी रूल रेगुलेशन जो है वो बना सकती है, ठीक है। जिसमें आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ये बोलता है कि दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है कि आर्टिकल सब प्लस फोर में रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन भी दी जाएगी, ठीक है, रिजर्वेशन दी जाएगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए, मतलब कोई भी बैकवर्ड क्लासेस होगी, चाहे आप ओबीसी ले लीजिए एससी एसटी कास्ट ले लीजिए, ठीक है। 4A भी देखा था जिसमें जिसमें हमने देखा था कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग द प्रोविजन और रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन, कि हमारा 4A जो आया है वो ये जो बात करता है वो रिजर्वेशन की बात करता है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 जो है वो बात करता है रिजर्वेशन आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मतलब आपको जॉब दी जाएगी उस टाइम रिजर्वेशन की बात करता है। रिजर्वेशन क्यों लेते हैं हम, कि आप खुद मतलब ऐसे हम जब जनरल कैटेगरी में लेंगे, मतलब जनरल का कोई पर्सन है, मतलब उसको यहाँ मतलब वो अच्छा इकोनॉमिक स्टेटस है उसका, ठीक है, तो यदि ओबीसी या एससी एसटी कास्ट है तो हम क्या करेंगे, उनको रिजर्वेशन देके इनको बराबर लेके आएंगे, ठीक है। इसलिए वो जो ओबीसी है उनको 27% रिजर्वेशन दी जाती है, एससी एसटी वालों को कुछ बहुत ज्यादा दी जाती है, ठीक है, बट बोला है उनकी कोई लिमिट नहीं है, बट ये बोला है कि 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी, क्योंकि एक हमारा केस आया था जो कि हमने एक देखा था उस दिन, कि एक केस डिस्कस किया था जिसमें ये बोला था कि वहां पर क्या हुआ था कि इलेक्शन का टाइम था, तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एडमिशन देने के लिए बच्चों को इक्वल, हाँ इक्वलिटी के लिए, रश्मि हाँ जी इक्वलिटी के लिए रिजर्वेशन देते हैं कि सभी लोगों को बराबर किया जा सके, ठीक है। और 4A, हाँ ये 4A बता रही थी मैं, 4A क्यों दिया जाता है कि रिजर्वेशन दी जाएगी इन मैटर ऑफ प्रमोशन में, ठीक है। 4A, 1 मिनट, ये ना थोड़ा सा मेरे को पता नहीं चलता मेरा पैन कहाँ चल रहा है, बाद में थोड़ा, हाँ 4 में बताया था कि आपको रिजर्वेशन दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, और 4A में बताया है कि आपको रिजर्वेशन दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इन मैटर ऑफ प्रमोशन में भी, कि आपको एक बार जॉब तो लगी उसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा उसके लिए भी रिजर्वेशन जो है वो दी गई है, और विद कंसिक्वेंटल सीनियोरिटी के बेस पर, ठीक है, मतलब आपको प्रमोशन दी जाएगी सीनियोरिटी के बेस पर, ठीक है, जिस तरह से जो होता है ना कि ये सीनियर होते चलते हैं पर्सन, जैसे कि बहुत इतना टाइम हो गया तो उनको प्रमोशन जो है दी जाएगी, ये हमने देखा था हमारे आर्टिकल 16 में। और हमारा 4B को भी हमने देखा था, जहां पर हमने कुछ चीजें देखी थी कि जहां पर बोला था कि ये आर्टिकल बात करता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम कंसीडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसी, जो भी हमने देखा था कि एक ईयर में यदि 100 वैकेंसीज निकली हैं और बात की जा गई है यदि वो 50 जो है 50 जनरल के लिए, ठीक है, और उनमें से जो 20 है, ठीक है, वो आती है हमारी ओबीसी के लिए
और हमारी जो 30 वैकेंसीज हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लिए, जैसे एससी एंड एससी कास्ट के लिए रही है, ठीक है। उनमें से यदि एससी एंड एसटी इन रिजर्व सीट में से यदि कोई वैकेंसी रह भी जाती है, 4-5 सीट रह भी गई, तो यहाँ पर बोला था कि उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में फिल करेंगे, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, कुछ एक केसेस भी हमने देखे थे जिसमें फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि यदि हम नेक्स्ट ईयर में भी उसको फिल कर रहे हैं तब भी क्या होना चाहिए, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जो हमको नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। ये हमने देख लिया था। और हमारा सेक्शन 17 जिसको कि हम हमने आज डिस्कस किया है, वहां पर बात करी थी, नहीं 17 तो हमने कल डिस्कस किया था, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करी थी, मतलब अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता को हटाना था इसका परम उद्देश्य, कि किसी भी पर्सन के साथ कोई भी जो है वो भेदभाव नहीं। हाँ, नेक्स्ट ईयर में कवर होंगी जी रश्मि, और फिर बोला था कि यदि नेक्स्ट ईयर में भी कवर होंगी तब भी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगी, कुछ एक केसेस में हमने देखे थे। हाँ, और डिटर्मिनेशन फाइल्ड अप द डिटर्मिनिंग द सीलिंग ऑफ द 50%, ये हमारे बेयर एक्ट में भी लिखा है, हमने तो केसेस में भी डिस्कस किया था ना, पर हमारे बेयर एक्ट में भी है। और जो हमारा सब क्लॉज 5 भी है जिसमें बोला था नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ लॉ आर प्रोवाइडेड द इनकम्बरेंट ऑफ एन ऑफिस आर इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी शैल बी अ पर्सन प्रोफेसिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर डायमेंशंस। ये सब बोला था, 16 में भी बोला था, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने बता दी हैं, बाकी केसेस को भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और 16 जो हमारा आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 उसमें हमने देखा था कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करी गई थी, मतलब अनटचेबिलिटी जो है छुआछूत जैसे अस्पृश्यता है उसको क्या करना है, समाप्त करना है, ठीक है। और हमारा 18 जो है उसमें भी हमने बहुत सारे जैसे एससी एसटी एक्ट, मतलब इन आर्टिकल के अलावा मैंने आपको उस नोट्स में भी और उस टाइम उनकी क्लास उस क्लास में कुछ ऐसे एक्ट भी बताए थे जो कि एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट भी जो है, हाँ अस्पृश्यता जी रश्मि, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किए थे। आर्टिकल जो 18 है वहां हमने आज देखा था, आर्टिकल 18 जहाँ एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की बात करी थी, वहां पर हमने देखा था कि टाइटल होता क्या है, ठीक है, जो कि एक पर्सन की आइडेंटिटी होती है, बट टाइटल को लगाने से, मतलब एक पर्सन को यदि आप टाइटल का यूज कर रहे हो और वो टाइटल किसी दूसरे पर्सन के लिए क्या हो रहा है, वो नुकसान दे रहा है, मतलब नुकसान तो ऐसे नहीं होता, बट यदि आप किसी ग्रुप में खड़े हैं, ठीक है, मतलब 4-5 लोगों का आपका ग्रुप है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, यहाँ ले, हाँ ये आप इतने लोग जो है वो यहाँ सराउंडिंग में पूरे खड़े हैं, और बीच में से आपको यदि कोई विशेष उपाधि दी गई है तो, और मतलब आप 3-4 लोग जो है वो अच्छे इकोनॉमिक स्टेटस के हैं और आपको अच्छा टाइटल जो है वो दिया गया, तो हो सकता है सामने वाले पर्सन जो है वो आप उनको बुरा भी लग जाए, तो बोला है ऐसा कोई टाइटल हम यूज भी कर रहे हैं जिससे किसी दूसरे पर्सन की हानि, मतलब मान हानि उनको एज अ इंसल्ट महसूस हो रही है, तो ऐसे ही टाइटल बोला है यदि हम इस यदि इन टाइटल्स का यूज करते रहेंगे तो समाज में है इक्वालिटी नहीं आएगी, और हमें इन टाइटल को इसलिए खत्म करना है क्योंकि हमें इक्वालिटी लेके आनी, ठीक है, ताकि सभी लोग जो है हमारी इंडिया में इक्वल तरीके से रह सके और बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के सब लोग जो है वो इक्वल है, क्योंकि जितना मर्जी बड़ा इंसान हो जाए, एज जनरल मैं बात कर रही हूँ कि एक नॉर्मल लाइफ में लॉ से हटकर, कि जितना मर्जी बड़ा इंसान हो जाए कि बट है तो वो सारे इंसान ही है ना, एक ह्यूमन बीइंग तो सभी है, तो हर एक इंसान को राइट है, क्योंकि कोई भी यदि ज्यादा रिच भी है चाहे पुअर भी है, ठीक है, तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इंसान तो इंसान ही है ना, चाहे वो अमीर है या गरीब है, ठीक है, और किसी के साथ भी भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, और क्योंकि बेसिक नीड्स तो सभी की यही होती है कि उसको क्या मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, यही होती है बेसिक नीड, चाहे आप जितनी मर्जी अमीर है या गरीब है ना, तो
यही था कि इसलिए बोला कि ना तो अनटचेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और ना ही टाइटल होना चाहिए, मतलब किसी को टाइटल जो है, टाइटल की समाप्ति भी एबोलिश भी हुआ उसको किया गया। 1 मिनट रश्मि। और उसके बाद बोला है हमारा आर्टिकल जो 19 है उसमें भी हमने देखा था कि कुछ एक फ्रीडम दी गई है जो हमने आज डिस्कस किया था, आर्टिकल 19, ठीक है, वहां पर 19 सब प्लस 1 सब प्लस 2 इस तरीके से ए बी सी डी हमने पूरा देखा था, ठीक है। यहाँ जो हमारा आर्टिकल 19 वो बात करता है सब प्लस ए बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, हर एक पर्सन को स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम है। और जो बी है वहां हमने देखा था असेंबल पीसफुली बट विदाउट आर्म, ठीक है, आप क्या हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं पीसफुली बट विदाउट आर्म होंगे। फिर हमने देखा कि वो एसोसिएशन बना सकता है, यूनियन बना सकता है, वो हमने अभी देखा था, ट्रक यूनियन का हमने एग्जाम्पल लिया था और कंपनी का भी एग्जाम्पल लिया था। फिर डी में हमने देखा कि वो मूव कर सकता है फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब पूरी टेरिटरी में, मतलब वो कहीं भी फ्रीली मूव हो सकता है। और ई में हमने देखा था कि वो रिजाइड कर सकता है, सेटल हो सकता है एनी पार्ट फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और हमारा एफ जो है वो उसको रिपील कर दिया है, वहां पर बात आई थी प्रॉपर्टी और पोजेशन की, ठीक है। तो जो आर्टिकल है इसको रिपील करके हमारा आर्टिकल बना दिया है 300A, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लीगल राइट जो है वो बन गया है, हाँ लीगल राइट जो बन गया है फंडामेंटल राइट से हटाकर उसे लीगल राइट जो है बना दिया गया। और जी बात करता है हमारा टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, मतलब आप कोई भी प्रोफेशन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी और उसके बाद हमने देखा था कि आर्टिकल 20 20 में बात कही थी कि उन लोगों को प्रोटेक्शन दी जाएगी जो कि रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 20। 1 मिनट, एक तो मेरा ये पेन, आर्टिकल 20, ठीक है, 20 में हमने देखा था कि प्रोटेक्शन दी जाएगी उन लोगों को जो कि रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस है, मतलब जिन लोगों को कन्विक्शन दी गई है उनके उनसे रिलेटेड जो है उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, जहां पर हमने डबल जियो पार्टी वाला कंसेप्ट देखा था, एक कंसेप्ट, ठीक है, कि एक पर्सन को एक टाइम पर एक ही सजा जो है वो दी जाएगी, एक ऑफेंस के लिए सजा दी जाएगी। और दूसरा हमने देखा था कि एक पर्सन को जिसने कोई ऑफेंस किया है उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा अपने खिलाफ जो है वो गवाही देने के लिए, ठीक है, ये हमने देख लिया था। यहां तक आपको समझ में आ गया था रश्मि? फिर हमारा हमने देखा था आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21 में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, वो हमने अभी केस लॉज जब डिस्कस करने उसमें बहुत डीप से और भी हमें चीजें पता चलेंगी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की हमने बात देखी थी, वहां पर हमने देखा था कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में बहुत सारी चीजें आती हैं। यदि आप पर्सनल लिबर्टी भी बात कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइफ में भी, यदि एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए जो जो बेसिक नीड्स हैं वो सारे ही इस आर्टिकल में मेंशन है, और सभी को कि बेसिक नीड्स जो है वो होती है, ठीक है, जिसमें पूरे ही राइट जो भी राइट टू वाटर, राइट टू फूड, राइट टू, मतलब सारे ही राइट जो कि मनुष्य की बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं वो सारे ही राइट हमारे आर्टिकल 21 में आते हैं। अब देखा था 21A जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात करी गई थी, और जिसमें बोला था कि जो बच्चे जो हैं उनको 6 to 14 ईयर के उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। और हमारा आर्टिकल 22 जो कि हमने देख लिया है, आर्टिकल राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21A, और हमारा 22 जहां पर बात करी थी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की, जहां हमने ये देखा था कि आर्टिकल 21 सॉरी 22
ठीक है, वहां पर हमने देखा था कुछ एक प्रोविजन देखे थे कि कोई भी पर्सन जो है जब भी उसकी कस्टडी उसे कस्टडी में लिया जा रहा है तो सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि उसने क्या ऑफेंस किया है, उसको किस ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है, कस्टडी में लिया जा रहा है। और उसके साथ साथ जब उसे अरेस्ट मतलब कस्टडी में ले लिया, अरेस्ट कर लिया, तो उसको अपने एडवोकेट से कंसल्ट करने का राइट है, ठीक है। और अब बोला है, और एवरी पर्सन जो कि अरेस्ट हुआ है उसे 24 आवर के अंदर जो है वो आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक है, और उसे उतनी ही सजा दी जाएगी जितना कि मैजिस्ट्रेट जो है वो डिसाइड करें। इससे ज्यादा है पुलिस अथॉरिटी जो है वो कभी भी एक दिन भी एक मतलब 1 आवर भी वो आपको उससे ज्यादा जो है वो नहीं रख सकती कोर्ट में कस्टडी, ठीक है। ये सब हमने देख लिया था हमारे आर्टिकल 22 में, और 23 में हमने देखा था कि प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग की आपको प्रोहिबिट मतलब उन लोगों को प्रोहिबिट किया गया है, मतलब यदि कोई एक्टिविटी कर रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, मतलब एक इंसान को खरीदा बेचा जा रहा है, मतलब मैन एंड वुमेन दोनों ही आ जाते हैं उसमें, और किसी के साथ मिला है, किसी से भीख मंगवाई जा रही है, ठीक है, बैगर की एक्टिविटी जो है उसके साथ की जा रही है, और फोर्स लेबर की जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, उन सभी को प्रोहिबिट किया गया है। और 24 में हमने देख लिया था कि प्रोहिबिट किया गया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, ठीक है, जो कि एज ऑफ द 14 ईयर, मतलब 14 ईयर तक वो बच्चे जो है कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ हमने बहुत सारे, हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है इसमें कि किसी को भी एक्सप्लॉयट नहीं किया जाएगा, उसमें हमने राइट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग जो है ये देख लिया था, और फोर्स लेबर एंड आर्टिकल 24 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, जिसमें हमने इन इस आर्टिकल के अलावा और भी बहुत हमने एक्ट जो है वो डिस्कस किए थे उस लेक्चर में। यदि कोई भी इस लेक्चर को रिकॉर्डेड भी देख रहा है तो आपको मैं कहूंगी कि इससे पहले हमारा एक सेशन हो चुका है जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है इन सभी चीजों को, तो आप वहां जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो रश्मि, हम अभी नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सब मैं स्लाइड्स लेके आई थी लेकिन ये पेन जो है वो अच्छे से चल नहीं रहा है इसलिए सब कुछ लिख नहीं पा रही, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 25 एंड 28 है, 25, 26, 27, 28, ठीक है, ये आर्टिकल है, ये बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया की, मतलब हमें इंडिया में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 to 28 तक, ठीक है। अ सेकुलर स्टेट की जब हमने प्रियम्बल भी डिस्कस किया था तो वहां पर भी ये बात देखी थी कि हमारा जो सेक्युलर वर्ड है उसको 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, और सेकुलर वर्ड का मीनिंग भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि सेकुलर वर्ड का क्या मतलब होता है। सेकुलर मीन कोई भी स्टेट जिसका अपना कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है, जहां सभी धर्मों के लोग जो है मिलजुल कर अच्छे से रहें, वो होता है हमारा सेकुलर स्टेट। यहाँ पर ये क्या बोला है, सेकुलर स्टेट मीन इट शुड बी रिमेन साइलेंट साइलेंट ऑन रिलीजियस मैटर, कि एक धर्म निरपेक्ष राज्य का क्या मतलब है कि उसे धार्मिक मामलों में चुप रहना चाहिए, है ना। फ्रीडम ऑफ, हाँ जी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जी हाँ जी। रश्मि बोला है इट इज एन एंशियंट डॉक्ट्रिन इन इंडिया दैट स्टेट प्रोटेक्ट करेगा सभी रिलीजन को बट इंटरफेयर विद वन इन विद नॉन, ठीक है, मतलब सभी रिलीजन को, चाहे आप हिंदू ले लीजिए, हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, क्रिश्चियन, पारसी, किसी भी रिलीजन को आप ले लीजिए, स्टेट की ड्यूटी है उसको प्रोटेक्ट करने की बट इंटरफेयर नहीं करेगा वो, ठीक है, मतलब हमारी गवर्नमेंट हमारे किसी भी रिलीजन के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है द सेकुलर करेक्टर हैंड सेट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देयर इज नो स्पिरिचुअल ट्रुथ इन दिस सेकुलर करेक्टर ऑफ द स्टेट, बोला है राज्य के धर्म निरपेक्ष चरित्र में कोई आध्यात्मिक सच्चाई नहीं है, ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बिन साम
मेरे को नहीं समझ में आ रहा है रश्मि। बिन बिन संप्रदाय, हाँ पर्टिकुलर, हाँ बिन संप्रदायिक, हाँ कि कोई भी जो है वो पर्टिकुलर धर्म जो है वो नहीं, हाँ मतलब सभी धर्म जो है वहां मिलजुल कर रहते हैं और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करने की, बट इंटरफेयर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक्सप्लेन किया है वर्ड सेकुलर को कि देर इज नो स्पिरिचुअल ट्रुथ इन द सेकुलर करेक्टर ऑफ द स्टेट, कि हम जब राज्य के मामले में लेंगे तो वहां पर राज्य के धर्म निरपेक्ष चरित्र में कोई आध्यात्मिक सच्चाई जो है वो नहीं है, ठीक है। धर्म निरपेक्ष भगवान को राज्य के मामलों से अलग बनाती है, मतलब सेकुलरिज्म मेक गॉड ऑफसेट फ्रॉम द मैटर ऑफ स्टेट एंड क्लेरिफाई दैट नो वन शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन द ग्राउंड फॉर रिलीजन, कि यह बात जो है वो हमें स्पष्ट करती है कि कोई सी किसी को भी धर्म के आधार पर अलग व्यवहार जो है नहीं करना चाहिए, और राज्य का अपना धर्म नहीं है, हमारे इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर सभी लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वैसे वाला सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि हम कभी भी जैसे कि एज अ ह्यूमन मतलब हम लोग कभी भी किसी को ये नहीं बोलते कि तुम जो है वो अलग रिलीजन के हो, तो मतलब किसी के धर्म को हम गलत थोड़ी ना बोलते हैं, हम हर एक एज अ पर्सन भी हम हर किसी के धर्म की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हर एक रिलीजन, ठीक है। और हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन सेक्युलरिज्म, ठीक है, मतलब धर्म निरपेक्षता। सेक्युलरिज्म इज इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने प्रियम्बल पढ़ा था तो वहां भी इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से जाना था कि धर्म निरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में भी है, ठीक है, जो कि हमने भी देखा था। एंड ये सिक्योर करता है ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन को सिक्योर करता है लिबर्टी ऑफ थॉट बिलीफ फेथ एंड वर्शिप को, कि हर एक नागरिक को क्या है उसके विचार विश्वास और पूजा करने की स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है, जो हमारा आर्टिकल सॉरी जो हमारी अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें वर्ड सेकुलर जो है वो ऐड किया गया था, इंसर्ट किया था प्रियम्बल में, ठीक है। हाउएवर इवन विदाउट दिस अमेंडमेंट सेकुलरिज्म वाज इनहेरिटेड नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की चाहे हमने इस संशोधन मतलब 42nd, सबका अपना अपना, हाँ हाँ जी रश्मि, सबका अपना अपना धर्म है और हम सब लोगों को राइट है कि वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी देवता की पूजा कर सकते, है ना। और हम सभी लोगों की ड्यूटी है कि हम सभी लोग जैसे कि हम अपने धर्म के अनुसार जीते हैं और अपने धर्म के अनुसार अपने किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो हमारी ड्यूटी भी है कि हम किसी दूसरे के धर्म को ठेस ना पहुंचाएं, उनके किसी भी लोगों को मतलब डिसरिस्पेक्ट किसी भी रिलीजन को ना करें, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि जो 42nd अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड जो सेकुलर वर्ड है उसे ऐड किया गया है, इससे पहले भी जब हमारी अमेंडमेंट नहीं हुई थी, है ना, जब हमारी अमेंडमेंट नहीं हुई थी, संशोधन के बिना भी धर्म निरपेक्षता जो है वो भारतीय संविधान की एक अंतर्निहित प्रकृति में थी। हाँ रिस्पेक्ट दें, हाँ जी रश्मि, बोला है कि जो हमारी 42nd अमेंडमेंट नहीं हुई थी तब भी हमारे, या 42nd के अमेंडमेंट के दौरान ही हमारा सेकुलर वर्ड जो है वो ऐड किया गया है, यदि नहीं भी हुई थी उस टाइम भी, जो हमारे संविधान में जो सेकुलरिज्म की भावना थी वो पहले से ही अंतर्निहित थी। एक धर्म निरपेक्ष राज्य में राज्य केवल मनुष्य के साथ मनुष्य से के संबंध से संबंधित है, ना कि मनुष्य के परमेश्वर के बीच से, मतलब ऐसे बोला है कि सेकुलर स्टेट स्टेट जो कंसर्न करता है विद द रिलेशन ऑफ अ मैन, कि हम सभी लोग जो है मतलब हम सारे ही सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो हमारा देश किससे बनता है, हम लोगों से बनता है, हमारे रिलीजन से थोड़ी हम बनता है ना। तो यही बात बोली कि एक सेकुलर स्टेट स्टेट कंसर्न करता है विद द रिलेशन ऑफ मैन टू मैन, मैन एंड मैन मैन मतलब एक पर्सन टू पर्सन आपका रिलेशन बनता है, आपके भगवान से थोड़ी ना बनता है, कि मतलब आज तक किसी ने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन एक परमात्मा की एक शक्ति होती है कि हर एक इंसान को इंसान के अंदर जो है भगवान बसते हैं, है ना। तो यही बात यहाँ पर बोली, एक स्टेट जो है सेकुलर स्टेट क्या होता है, जो ऐसा स्टेट जो कंसर्न करता है विद द रिलेशन टू द मैन मैन टू मैन,
ओनली एंड नॉट विद द रिलेशन बिटवीन द मैन एंड गॉड, ठीक है, एक इंसान और भगवान कार्य के रिलेशन से जो है वो हमारा जो है स्टेट नहीं बनता, ठीक है। और हमारा इन एस आर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट का जो केस है जिसमें हेल्ड किया था दैट द सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर, जिस इस केस में हेल्ड किया था सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर। इसी तरह के हम, मैं ये सोच रही थी कि इसी तरह के केसेस जो हमें मिले के आऊं, वहां पर बहुत ज्यादा कहानी ना हो, मतलब हमें बहुत ज्यादा, हमें एक एक वर्ड, जैसे कि हमारा केसेस क्या कैसे आते हैं हमारे पेपर में भी ऐसे दिया होगा, एस आर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, या तो एयर वाइज पूछ लिया होगा या तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में, तो वहां हमें मैच करना रहेगा सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर, ठीक है। ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सेक्युलरिज्म क्या है, बेसिक फीचर। और हमारा एक और केस है इस्माइल फारूकी वी, ठीक है, फारूकी वी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसमें पॉपुलरली कॉल्ड एज अयोध्या केस, जिसको कि अयोध्या केस भी बोला है, अयोध्या मामले के नाम से भी जाना जाता है, ने एक विस्तृत चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत धर्म निरपेक्षता की वास्तविक अवधारणा को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। बोला है अयोध्या केस द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द डिटेल्ड डिस्कशन एंड समराइज किया है द ट्रू कंसेप्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, देयर इज अ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट। वहां बोला कि कोई रिलीजन नहीं है राज्य का, मतलब कोई रिलीजन नहीं है हमारे स्टेट का। सेक्युलरिज्म इज वाइडली डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 25 to 28, जो सेक्युलरिज्म है वो वाइडली हमारा डिस्क्राइब किया है हमारा आर्टिकल 25 to 28 में व्यापक रूप से वर्णित किया गया है। और दीज आर्टिकल, ये आर्टिकल जो है वो है वो प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, कि हर एक मनुष्य को स्वतंत्रता है अपने रिलीजन की, मतलब अपनी स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है ये हमारा आर्टिकल, ठीक है। ये आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज लाइक द नेचर ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया है रश्मि? बहुत अच्छा कंसेप्ट। और यहाँ हमने दो केसेस भी डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ पर यहाँ सिर्फ ये इतनी ही बात आपको याद रखनी है। एक मिनट चार्जर लगा लेती हूँ। कि यहाँ पर आपको ये सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि इस केस में क्या बोला था एस आर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर। और हमारे जो इस्लामिया जो ये केस है वहां पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, बहुत ज्यादा समराइज किया, डिस्कशन किया डिटेल में, और फिर बोला कि ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 25 to 28, इसमें बताया गया है सेकुलरिज्म का वाइडली, हाँ एस आर बॉम्बे, हाँ जी, इसमें जो इन आर्टिकल का वाइडली डिस्क्राइब किया गया है 25 to 28 सेक्युलरिज्म, ठीक है, और बोला है कि ये आर्टिकल जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, ठीक है। और कंसेप्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म क्या है, ऐसा है कि नेचर ऑफ द राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। ये हमने दो केसेस भी देख लिए। बात करते हैं फ्रीडम टू कंसाइज एंड फ्रीडम प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीज। बोला है कि फ्रीडम है हमें कंसाइज की और फ्री प्रोफेशन की, ठीक है, मतलब धर्म के स्वतंत्र पेशे की, अभ्यास की और प्रचार। हाँ हाँ जी रश्मि, एस एम एस इस्माइल फारूकी भी केस। हाँ जी, एक मिनट मैं पानी पी लेती हूँ। हाँ है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड रिलीज, मतलब फ्रीडम है आपको, स्वतंत्रता है आपको कंसाइज की, फ्रीडम प्रोफेशन की, प्रैक्टिस की, आप क्या कर सकते हो, आपको ये फ्रीडम है, आजादी है
कि आप अपनी रिलीजन के अकॉर्डिंग किसी भी चीज की, अपनी रिलीजन की क्या कर सकते हो, आप पेशे से या अभ्यास कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो अपने रिलीजन का। आर्टिकल 25 में ये बोला गया है। आर्टिकल 25 क्लॉज ए ये प्रोवाइड करता है एवरी पर्सन हैज अ फ्रीडम टू कंसेंट, कि हर पर्सन को, हर एक प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, विवेक की स्वतंत्रता है, कंसेंट करने की स्वतंत्रता है, एंड द राइट टू प्रोफेस है, मतलब वो उसे धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने, मतलब उसे अपना धर्म, जैसे मैं हूं तो मुझे अपने धर्म को मानने, अपने धर्म के बारे में किसी और को भी बताने, ठीक है, और अपने धर्म को पालना, मतलब उसका पालन करना, उसको पालना मतलब, और प्रचार करना कि मैं अपने धर्म के बारे में आपसे भी बोल सकती हूँ, ठीक है, और उसको प्रोफेस करना, ये जो है वो मेरा राइट है, और ये अधिकार जो है सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। ये राइट जो है वो सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी के, एंड हेल्थ सो ऑन, इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 सब क्लॉज ए सब क्लॉज वन सॉरी, अ पर्सन हैज टू फोल्ड फ्रीडम, ठीक है, एक तो है हमारी आर्टिकल जो हमारा फर्स्ट है आर्टिकल 25 सब क्लॉज वन में बोला है, एक पर्सन के पास क्या होती है, दुगनी स्वतंत्रता होती है, एक तो फ्रीडम ऑफ कंसाइज की और दूसरा फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, रिलीजन, इट्स प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन की, ठीक है। एक पर्सन को क्या है, फ्रीडम है, वो अपने धर्म के अनुसार अभ्यास कर सकता है, मतलब अभ्यास का क्या मतलब है कि वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, ठीक है, मतलब यदि उसका धर्म ये कहता है कि उसको ये वाला काम करना है या पर्टिकुलर काम करना है तो वो कर सकता है, ठीक है, और उसको मतलब जैसे कि अपने अपने धर्म होते हैं, किसमें पूजा जो मतलब उसमें व्रत वगैरह भी करते हैं, तो इन सभी को जो हम काम करते हैं उसको बोलते हैं अभ्यास, ठीक है, और प्रचार होते हैं जब हम किसी दूसरे से बताते हैं, ठीक है, हाँ फिर है हमारा द फ्रीडम ऑफ द कंसाइज इज कंप्लीटली इनहेरेंटेड फ्रीडम ऑफ, हाँ रश्मि, कंसाइज, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट, एक मिनट, हाँ बोला है द फ्रीडम ऑफ कंसाइज इज कंप्लीटली इनहेरेंटेड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन टू चूज एंड प्रोड्यूस इट्स ओन रिलेशनशिप विद द गॉड एंड वट एवर मैनर ही लाइक। बोला है यहाँ पर जो हमारा फ्रीडम ऑफ कंसाइज है कि पूरी तरह से अंतर्निहित स्वतंत्रता है कि वहां भगवान के साथ अपने रिश्ते को चुनने और विकसित करने के लिए जो भी उसे पसंद करता है, ठीक है, यहाँ पर ये बोला है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइज की बोला है ये कंप्लीटली इनहेरिटेड है, मतलब अपने आंतरिक, एक मनुष्य की आंतरिक जैसे होता है इंटरनल पावर है ना, जहां पर कहीं ना कहीं आपके साथ कभी भी गलत हो रहा हो, मतलब एक वैसे ह्यूमन की बात कर रही हूँ कि एक इंसान से के साथ कभी भी कुछ गलत हो रहा है या कुछ भी होता है तो एक इंसान के अंदर मन से होता है ना कि आवाज आ जाती है कि मतलब सब ठीक है या कुछ गलत है ना उसके अंदर, तो यहाँ बोला है कि इस ये कंप्लीटली इनहेरिटेड है फ्रीडम ऑफ सिटीजन चूज, एक फ्रीडम मतलब एक सिटीजन जो है उसको फ्रीडम है, वो चूज कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है रिलेशनशिप विद द गॉड। आप देखते हैं कि जो हमारे कृष्ण भगवान है वहां हर एक पर्सन ने अपने अपने रिश्ते बनाए होते हैं, किसी ने उन्हें भगवान कहा है, किसी ने उनको पति के रूप में मान लिया है और उनको उसी तरीके से वो पूजा करते हैं उनकी, किसी ने उनको बेटा बना लिया है ना, किसी ने उनको सखा बना लिया है ना, तो ये होता है कि अपने तरीके से इंसान जो है भगवान के साथ अपने रिश्ते को चुन सकता है और विकसित करने के लिए जो भी उसे पसंद है वो कर सकता है, ठीक है, कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा है ना।
और फिर बात करते हैं, राइट है प्रोफेस रिलीजन मीन कि किसी धर्म को मानने का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता के साथ अपने स्वयं के धार्मिक विचारों, विश्वासों आदि की घोषणा करना, कि मीन डिक्लेयर करना फ्रीडम वंस ऑन रिलीजन, रिलीजियस थॉट और बिलीफ, कि डिक्लेयर करना, ठीक है, मतलब प्रोफेस रिलीजन का क्या मतलब है कि डिक्लेयर करना, ठीक है, घोषणा करना विद फ्रीडम वंस ओन, अपने रिलीजन के बारे में, अपने थॉट और बिलीफ के बारे में. और बोला टू प्रैक्टिस करना रिलीजन मीन. रश्मि आपको समझ में आ रहा है? कि प्रैक्टिस रिलीजन मीन टू परफॉर्म असेंशियल रिलीजियस ड्यूटी और राइट एंड रिचुअल्स, ठीक है, बोला है कि क्या करना, अभ्यास करने के लिए धर्म का अर्थ है आवश्यक धार्मिक कर्तव्य, जो कि मैंने पहले भी बोला कि अभ्यास करने का क्या मतलब है, जो भी इंसान के धार्मिक कर्तव्य होते हैं. किसी को लगता है कि मतलब जैसे हमारा सावन का महीना होता है, वहां पर हमें हर सोमवार को जो है वो व्रत करने चाहिए, मतलब हमारे को क्या, हम ऐसे रिलीजियस ड्यूटी मानते हैं, है ना, और हमारा क्या राइट है और रिचुअल्स है और उनका जो है वो हमें पालन करना है, वो हमें बताता है अभ्यास, ठीक है, प्रैक्टिस हमें ये बताता है. यहाँ एक एक वर्ड का मीनिंग दिया है कि आप प्रैक्टिस से क्या समझते हैं, राइट ऑफ कंसाइस के से क्या आप समझते हैं. आप शुरू में जाने की कोशिश करते तो आपको समझ में कम आता कि राइट ऑफ कंसाइस का, फ्रीडम ऑफ कंसाइस का क्या मतलब होता है, ठीक है. फिर बोला है कि टू प्रोपोगेट मीन, प्रोपोगेट का क्या मतलब है, प्रचार करने का क्या मतलब है, धार्मिक दृष्टिकोण को दूसरे तक फैलाना, मतलब यदि किसी धर्म के बारे में मेरे को पता है तो मैं आप तक भी पहुंचाऊंगी, अपने जो रिलीजियस बिलीफ है मैं जिनमें विश्वास करती हूँ वो आप तक भी पहुंचाऊंगी. बट द राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन डज नॉट गिव द राइट टू एनी पर्सन टू कन्वर्ट अनदर पर्सन रिलीजन बाय कोर्शन और बाय एनी अदर इलीगल मीन, ठीक है. बट किसी भी व्यक्ति को आप मतलब अपने दृष्टिकोण से, आप किसी दूसरे का मतलब, आप जिन भाई भगवान की पूजा करते हैं, आपका क्या धार्मिक दृष्टिकोण है, आप दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन धर्म का प्रचार करने का अधिकार है किसी व्यक्ति को, जबरदस्ती आप उसको बोल नहीं सकते कि आप भी फॉलो करो, आप भी फॉलो करो, बोले ऐसा नहीं है. और किसी भी व्यक्ति को आप अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से आप उसके धर्म को परिवर्तित जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, और उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप भी इस धर्म का पालन करो, किसी पर्टिकुलर धर्म का पालन करो, ठीक है. हाँ, आवाज जो बढ़िया आ रही है. आर्टिकल जो 25 है वो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू एवरीवन, एवरी सिटीजन, एंड नॉट ओनली द पर्टिकुलर रिलीजन. किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोटेक्शन नहीं देता, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को गारंटी नहीं देता, बल्कि यह केवल एक विशेष धर्म के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को अपने किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से, बोला है जो आर्टिकल 25 है वो गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एवरी सिटीजन एंड नॉट ओनली टू पर्टिकुलर रिलीजन. देर इज नो सच राइट ऑफ फॉर अ इंडिविजुअल टू कन्वर्ट अनदर पर्सन रिलीजन बाय मीन्स, ठीक है, मतलब जो हमारा आर्टिकल 25 है वो प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता गारंटी देता है, न केवल किसी एक विशेष धर्म की, बल्कि हर एक धर्म की प्रोटेक्शन की गारंटी देता है. और किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं, मतलब हम किसी राइट किसी धर्म को बिलोंग करते हैं तो हमारा ये राइट है कि हम किसी भी दूसरे के पर्सन के साथ कोई जबरदस्ती ना करें, है ना, और ना ही किसी को फोर्स करें कि आप वो अपना जो रिलीजन है उसको चेंज करें. इट्स ऑन वन ऑन डिसीजन, एक अपना डिसीजन होना चाहिए, किसी भी धर्म को चुनना सिर्फ किसी एक पर्सन का निर्णय होना चाहिए. ये डिसाइड हुआ था हमारा ये जो केस है, रेव वर्सेस स्टेनल सॉल, ठीक है.
लॉज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत, मध्य प्रदेश, मध्य भारत का ही याद रह रहा है मेरे को पुराने वाले, है ना, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977 और सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जिसमें बोला था कि आर्टिकल 25 की जब आप बात कर रहे हो तो ये बात करता है, गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की हर एक पर्सन को, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं, बट ये है कि आप किसी दूसरे की राइट अपने दूसरे के रिलीजन को कन्वर्ट नहीं करवा सकते, ये किसी इंसान का अपना पर्टिकुलर ऑन डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है रश्मि? हमारा 1 आवर तो ऐसे ही बीती तू क्या, बट कोई बात नहीं, हमने आज कंप्लीट कर लेना है ये। ठीक है, सम रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है आर्टिकल 25 पर भी, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ, जो ये बोला है फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है वो क्या है, सब्जेक्ट है पब्लिक ऑर्डर का, मोरालिटी का और हेल्थ का। नो एक्ट कैन बी डन अगेंस्ट अ पब्लिक ऑर्डर, मतलब आप कोई भी एक्ट कर रहे हो, कोई भी एक्ट कर रहे हो अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर नहीं होना चाहिए, मोरल हमारा पब्लिक ऑर्डर के सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मोरालिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और हेल्थ ऑफ पब्लिक मतलब आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब धर्म के नाम पर आप सोचो कि धर्म के नाम पर आपने क्या, फॉर एग्जाम्पल के लिए लेके चलो कि धर्म के नाम पर आप क्या कर रहे हो, कहीं बॉटल में जैसे कि आप बोल रहे हो कि ये गंगा जल है ना, गंगा जल भर रहे हो और सभी लोगों पर छिड़क रहे हो, और हो सकता है कि आपने कुछ उसमें मिलावट कर दी जिससे क्या हो रहा है दूसरे पर्सन को, मतलब कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है, मतलब बोला है, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे आप धर्म के नाम पर जो कि अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर हो, मोरालिटी हो और हेल्थ ऑफ अ पब्लिक हो, जिससे किसी दूसरे हमारे पब्लिक की हेल्थ पर इफेक्ट हो, तो ऐसा कोई काम जो है नहीं करेंगे इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर। ठीक है, ऑल्सो अनटचेबिलिटी और ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, फॉर एग्जाम्पल के लिए सिस्टम ऑफ देवदासी, ऐसा भी सिस्टम जो है वो आप धर्म के साथ जो है धर्म का नाम लेकर नहीं करेंगे, मतलब साथ ही मनुष्य के साथ मतलब कोई छुआछूत, और जो ट्रैफिकिंग सिस्टम जो कि हमने आज भी देखा था आज के प्रीवियस आर्टिकल्स में, ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब आप ऐसा होता है ना कि हम कहाँ करते हैं आजकल के टाइम में, तो बिल्कुल नहीं करते कि हम मंदिर में जाने से किसको किसी को रोक रहे हैं, है ना, तो आप चाहे हिंदू हैं या किसी अदर रिलीजन के भी हैं, पर हम किसी को नहीं रोकते क्योंकि रोकना बनता भी नहीं है ना, हमारे आर्टिकल 25 में बात करी गई है कि हम किसी को कहीं भी कोई रोक टोक नहीं करेंगे, और हर एक पर्सन को फ्रीडम ऐसा रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा कोई एक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ है, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, हेल्थ ऑफ अ पब्लिक के खिलाफ है और इन द नेम ऑफ रिलीजन है। ठीक है, ऑल्सो द अनटचेबिलिटी और ट्रैफिक ऑफ द ह्यूमन बींग। ठीक है, और हमारा एक केस है आचार्य आचार्य जगदीश्वरानंदन अनंत अवधूत वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, कलकत्ता, पॉपुलरली नॉन एज आनंद मार्गा केस इसे कहा जाता है, और इसमें भी अब ये केस जो है वो रिलेट करता है इस हमारी जो ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन दी है उससे। ठीक है, और जो हमारा सेकेंड है रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल एंड सेकुलर एक्टिविटी रिलेटेड टू द फ्रीडम, सॉरी रिलेटिंग टू रिलेटेड टू रिलीजन, जो आर्टिकल 15 है, सॉरी 1 मिनट, आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 है, सब क्लॉज ए है, वो क्लेरिफाई करता है दैट द फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एक्सटेंड ओनली दोज एक्टिविटी व्हिच आर एसेंशियल टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ रिलीजन, बोला है हमारा जो ये आर्टिकल है वो बात स्पष्ट करता है कि धर्म जो अभ्यास की स्वतंत्रता केवल उन गतिविधियों तक फैली है जो कि धर्म की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, मतलब आप कहीं भी अपने धर्म की गरिमा को बिगाड़ रहे हो, धर्म की अब गरिमा को नहीं बनाए रख रहे हो, तब बोला है ये आपको प्रोहिबिट करेगा, मतलब ये आर्टिकल जो है वो आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा, है ना, मतलब आप जो भी काम करो धर्म के दायरे में धर्म की गरिमा को बनाए रखने के लिए काम करो। ठीक है, बात की गई है सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म की, आर्टिकल 25 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी बात करता है, एम्पावर करता है स्टेट टू मेक अ लॉ, कि स्टेट जो है राज्य जो है वो सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने की
शक्ति है स्टेट को कि स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है फॉर द वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एंड और सोशल रिफॉर्म के लिए। सोशल इमोरल एक्टिविटी कैन नॉट बी प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ गॉड, कि भगवान के नाम पर और नेम ऑफ रिलीजन, कि धर्म और भगवान के नाम पर आप कोई भी ऐसे इमोरल एक्टिविटी जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बोला है कि अंडर द सब क्लॉज, अंडर द सब क्लॉज द स्टेट, स्टेट के पास स्टेट को पावर दी गई है थ्रू अपॉन द ऑल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक करेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड द सेक्शन ऑफ द हिंदूज, ठीक है। मतलब इस वो हमारा क्लॉज सेकंड सब क्लॉज है, उसके तहत बोला है राज्य में हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के सार्वजनिक चरित्र के सभी हिंदू धार्मिक संस्थानों को फेंकने का अधिकार है। स्टेट बोला है एम्पावर करता है थ्रू द, यहाँ शायद ये हिंदी जो है ना वो गलत आ गई है ना, तभी तो ये इसे गूगल ट्रांसलेटर से थोड़ी सी हिंदी गलत आ गई है, इसको आप ध्यान में मत दीजिएगा, यहां से ही पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये बात की गई है कि जो स्टेट है वो लॉ बना सकती है किस लिए, सोशल वेलफेयर के लिए और सोशल रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और ऐसा कोई भी मतलब आप क्या करते हो कि सामाजिक अनैतिक गतिविधि और जो भी इस सोशल इमोरल एक्टिविटी जो है उनको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनको आप परफॉर्म नहीं कर सकते, किसके नाम पर, भगवान के नाम पर और रिलीजन के नाम पर, ठीक है। इसके नाम पर बोला है, यहाँ पर आप इसको हिंदी में मत देखिएगा, ठीक है। और अंडर द सब क्लॉज में बोला गया है कि स्टेट को इम्पावर किया गया है थ्रू अपॉन, की स्टेट को पावर है ऑल हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक करेक्टर ऑल क्लासेस और क्लासेस सेक्शन ऑफ हिंदूज, की सभी हिंदूज और सभी इंस्टीट्यूशन के लिए बोला है पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो क्या कर सकती है, रूल बना सकती है, ठीक है। और बोला है द राइट ऑफ द सिख टू कैरी अ कृपान इज रिकॉग्नाइज एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा सिख्स को वो इस साइड जैसे कि कमर में वो कृपाण रखते हैं, है ना, यदि आपने देखा होगा तो बोला है कि जो सिखों के अधिकारों को धार्मिक प्रथा के रूप में मान्यता दी गई है कि वो कृपाण जो है वो रख सकते हैं, कृपाण ले जाना जो है वो उनका अधिकार है, ठीक है। और दिस बट दिस डज नॉट मीन कि सिख जो है वो कीप करे, मतलब सिख कैन कीप एनी नंबर ऑफ कृपाण्स, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कृपाण रख सकते, केवल एक रखने का अधिकार है। आपने भी देखा रश्मि, इसमें सिर्फ ये बोला है यदि सिखों को राइट दिया गया है कि वो कृपाण ले जा सकते हैं तो सिर्फ एक ही कृपाण जो लेके जाएंगे, बहुत बड़ी जैसे एक छोटी सी तलवार की तरह होता है वो, मतलब ऐसे छोटी, अच्छा नहीं दिखा, हाँ तो वो ऐसी ना जैसे छोटी सी तलवार होती है ना छोटी वाली, तो उसकी तरह होता है वो, इस साइड कमर में बांध के रखते हैं। हाँ यदि आप कहीं गुरुद्वारा वगैरह में जाओगे ना तो वो लोग वो जो पक्के सिख होते हैं ना, कृपान, हाँ कृपाली, कृपान बोलते हैं उसको, कृपाल नहीं बोलते, वो एक ना जैसे तलवार होती है, मतलब बहुत लंबी वाली नहीं होती, छोटी वाली होती है, तो उसको वो यहाँ कमर में जो है वो रखते हैं। जो सिख का कल्चर है वो तो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, पंजाबियों का कल्चर। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, की फ्रीडम है मैनेज करने के, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, हाँ कृपाण। बोले आर्टिकल 26 हैज द फॉलोइंग राइट, आर्टिकल 26 में भी कुछ फॉलोइंग राइट दिए गए हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं द इंस्टीट्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस एंड द ट्रस्ट पर्पस। बोला है वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग, उन धर्म धार्मिक और विश्वास के उद्देश्य के लिए आप किसी संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उसका रख रखाव जो कर सकते हैं। और दूसरा बोला है मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ऑन मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक है, कि आप स्वयं के मामले को बनाए रखने के लिए प्रबंधित करना जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। बोला है टू ओन और एक्वायर द प्रॉपर्टी,
कि आप क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी धर्म के नाम पर, और वेदर द मूवेबल और रिमूवेबल, ठीक है। मतलब आप किसी भी रिलीजियस अफेयर, मतलब आप जो है वो मंदिर के नाम पर कोई प्रॉपर्टी जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो इमूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी का फॉर द रिलीजियस एक्टिविटी। मतलब आप कहीं भी कोई भूमि जो है वो, आप प्रॉपर्टी जो है वो रिलीजियस एक्टिविटी के लिए है वो दे सकते हैं, और रिलीजियस एक्टिविटी विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है। और ये राइट जो है वो गारंटी करता है आर्टिकल 25 इज अ राइट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पर्सन। जो आर्टिकल 26 है वो गारंटी देता है आर्टिकल 26 जो है वो गारंटी देता है द राइट ऑफ एन ऑर्गेनाइज बॉडी, ठीक है। कि ऑर्गेनाइज बॉडी, कि जो हमारा आर्टिकल 25 है वो किसी इंडिविजुअल को, मतलब एक इंसान को अपने धर्म के प्रति, आप क्या कर सकते हो कि अपने धर्म के प्रति जो है वो आप कुछ भी कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको जो है वो मान सकते हो, आपको कोई रोक टोक आपके साथ नहीं की जाएगी। ये हमारे, हमें दिया है आर्टिकल 25, जहां पर इंडिविजुअल प्रोटेक्शन, इंडिविजुअल किसी एक पर्सन की प्रोटेक्शन की बात ली गई, ठीक है। और आर्टिकल 26 जो है वो बात करता है राइट ऑफ एन ऑर्गेनाइज बॉडी, कि आप कोई भी ऑर्गेनाइज बॉडी, मतलब आप 6-7 लोग जो है वो मिलकर एक ग्रुप बना रहे हो, और आप क्या कर रहे हो कि भगवान के लिए क्या है कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग को, इंस्टीट्यूशन को, संस्था बना रहे हो, ठीक है, और उसको मेंटेन कर रहे हो। कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, वहां पर आप मंदिर बना रहे हो, चाहे कुछ भी हो गया, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी होगी, जरूरी नहीं कि लैंड भी हो, मतलब कुछ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक्वायर कर सकते हैं। ये गारंटी करता है ग्रुप ऑफ, मतलब राइट टू एन ऑर्गेनाइज बॉडी, ठीक है। हाँ, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि आप धार्मिक मामलों में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। इसमें हमें दिया गया है कि आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा, जैसे होता है ना कि इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया जहां पर धर्म से रिलेटेड जो है वो शिक्षा दी जा रही है ना, ठीक है। एक और इन केसेस को देख लीजिएगा, बहुत लंबे लंबे नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे केस है। ब्रह्मचारी सिद्धेश्वरी साई वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1995, सुप्रीम कोर्ट, जिसमें बोला था पॉपुलर, जिसे नॉन जाना जाता पॉपुलरली नॉन एज अ रामाकृष्ण मिशन केस। तो ये आ सकता है रामाकृष्ण मिशन केस कौन है, तो हमारा ब्रह्मचारी सिद्धेश्वरी साई वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और जो राइट टू द फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द रिलीजियस पर्पस, देन इसमें बोला है अंडर अदर आर्टिकल, जो हमारा आर्टिकल 26 सब क्लॉज ए है, सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, जिसमें बोला है एवरी रिलीजियस इंडिविजुअल हैज राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस पर्पस, जो कि आपने भी यहाँ लिखा है कि कर सकते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जिसमें हमने फर्स्ट ही क्लॉज देखा था कि एस्टेब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन और मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं फॉर द रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस एंड द ट्रस्ट पर्पस, ठीक है। वैसे ही हमारे इस जो हमारा केस है राइट टू फ्रीडम ऑफ, एक मिनट, हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 26 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसमें बोला है राइट टू फ्रीडम और एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, वही वाली बातें जो हमने यहाँ पढ़ी है ना, उसी को यहाँ डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। मैंने सोचा था ये सारे में केसेस लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि हर पर्सन को क्या है, राइट है इंडिविजुअल को, कि वो क्या कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है इंस्टीट्यूशन फॉर देयर रिलीजियस पर्पस। और जो हमारा राइट टू मैनेज मैटर द रिलीजियस रिलीजन, की कोई भी पर्सन जिसको राइट दिया गया है वो फ्रीली फ्री है मैनेज करने का, मैनेज कर सकता है ऑन रिलीजियस मैटर, ठीक है। द स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर एंड इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट अनलेस इट डज एनीथिंग वायलेट द इलीगल और पब्लिक ऑर्डर। बोला है कोई भी पर्सन जो है, यदि क्या करता है कि इन राज्य के इन अधिकारों का प्रयोग, तब तक जब राज्य है वो कोई भी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इंटरफेयर जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकती, जब तक कहीं ऐसा मामला नहीं आता, सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य और नैतिकता का उल्लंघन नहीं होता, तब तक वो
कभी भी उसको इंटरफेयर नहीं कर सकती, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है तभी इस रिलीजन के मामले में इंटरफेयर करेगी जब यदि मामला आए, मतलब या तो सोशल वेलफेयर का हो, ठीक है, मतलब या तो कोई इलीगल पब्लिक इलीगल तरीका अपनाया जा रहा है, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, हेल्थ एंड मोरालिटी के खिलाफ है, उसके बाद ही स्टेट गवर्नमेंट क्या है इंटरफेयर कर सकती है इस मामले में। फिर बोला है राइट टू एडमिनिस्ट्रेट प्रॉपर्टी ओन और डोमिनेशन, ये भी हमने पहले भी देख लिया है, ठीक है, जिसमें बोला है नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, की किसी भी धर्म के प्रचार करने के लिए कर के भुगतान से स्वतंत्रता, ठीक है, मतलब फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट, ठीक है, ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, आर्टिकल 27। बोला आर्टिकल 27 जो है वो प्रोवाइड करता है दैट अ पर्सन कैन नॉट बी फोर्स फॉर द टैक्सेशन ऑन द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, की किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या रख रखाव पर कराधान के लिए मजबूर जो है नहीं किया जाएगा, मतलब किसी भी पर्सन को किसी रिलीजन के प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए टैक्सेशन को देने के लिए फोर्स जो है वो नहीं किया जाएगा, है ना। और फिर बोला है ये आर्टिकल शो करता है द सेकुलरिज्म ऑफ द स्टेट को, मतलब हर मतलब पूरे स्टेट का क्या है, कोई धर्म नहीं है, वो सेकुलरिज्म की बात कर, धर्म निरपेक्षता की को ये आर्टिकल जो है वो दर्शाता है, ठीक है। जब टैक्स कलेक्ट किया जाता है बाय द पब्लिक सच अ वे कैन नॉट बी स्पेंड द स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, जो हमारा टैक्स है ना वो हमेशा ही इकट्ठा किया जाता है राज्य के द्वारा विशेष धर्म के प्रचार के लिए खर्च नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है रश्मि मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ ये बात बोली है कि किसी धर्म के प्रचार के लिए कर के भुगतान से की स्वतंत्रता, मतलब आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप क्या करो कि किसी रिलीजन की प्रमोशन करो और उसको मेंटेन करो और उसके लिए आप टैक्स की पेमेंट करो, है ना। बोला है स्टेट किस लिए टैक्स जो है वो कलेक्ट करता है, पब्लिक से कलेक्ट करता है, और इसके लिए बोले इस बात के लिए बिल्कुल कलेक्ट नहीं करता कि आप किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए खर्च जो है वो किया जाए, इस धर्म जो जो कर होता है मतलब जो टैक्स होता है उसको किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए खर्च जो है नहीं किया, ठीक है। यहाँ तक आपको रश्मि समझ में आ गया है। हाँ तो बोला है इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे इंडिया का कोई धर्म नहीं है, वो सेकुलर स्टेट है, सभी धर्मों को मानने वाला एक स्टेट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो गारंटी करता है इंडिविजुअल एंड ऑल्सो ग्रुप ऑफ ऑल्सो टू ग्रुप, मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को भी दिया गया है, ऑल्सो ग्रुप को भी दिया गया है। इट टू बी नोटेड दैट व्हाट इज दिस आर्टिकल प्रोहिबिट लिविंग ऑफ टैक्सेस एंड फीस, बोले ये अनुच्छेद जो है वो करों और शुल्कों को लगाने पर रोक करता है, कि ये जो आर्टिकल है वो ये बोलता है कि आप रिलीजन एक्टिविटी पर, मतलब यदि आप रिलीजियस कहीं आप प्रमोशन कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, कि कहीं भी आपने मंदिर और ट्रस्ट बना के रखा है और वो रिलीजन को प्रमोट करता है, तो आप क्या करोगे उस पर टैक्स जो है वो नहीं लगा, ठीक है, इस बात के लिए वो बात करता है। आर्टिकल प्रोहिबिट करता है इज अ लिविंग ऑफ द टैक्स एंड फीस, एंड टैक्स क्या है, एक कॉमन बाइंडर है, ठीक है, टैक्स क्या है, एक सामान्य भागा है, ठीक है, और एंड द ओनली रिटर्न है, ठीक है, जैसे कि पे किया जाता है। आप जानते हैं कि टैक्स क्या होता है, एक कर होता है जो कि एक मनुष्य को एक देना पड़ता है, रिटर्न भरनी पड़ती है, एक रिटर्न के माध्यम से जो है वो दिया जाता है, और टैक्स पेयर क्या है, कुछ गेट करता है, गेट्स इट्स अ पार्टिसिपेशन ऑफ अ कॉमन बेनिफिट ऑफ स्टेट, की टैक्स करदाता को मिलने वाले एकमात्र रिटर्न राज्य के सभी लाभों के लिए मैं भागीदारी होता है, ठीक है, ये था हमारा, ये स्पेशली बात करता है टैक्स की और टैक्स को पे करने के लिए ये जो है वो रोक लगाता है, यदि कोई रिलीजन एक्टिविटी जो है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है ना तो उस पर रोक जो है वो लगाता है,
जो राइट नेक्स्ट है हमारा, फ्रीडम एज अ अटेंडेंस ऑफ एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और द रिलीजियस वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो आर्टिकल 28 है वो बात करता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28 सब क्लॉज 1, नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शेल बी प्रोवाइड इन एनी सच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच इज मेंटेन एंड द रेगुलेटेड बाय द स्टेट फंड। बोला है किसी भी ऐसे शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक निषेध प्रदान नहीं किया जाएगा जो राज्य की निधि द्वारा बनाए गए बनाए और विनियमित है। ठीक है, इसमें फोर आर्टिकल जो इसमें अनुच्छेद 28 में ये रेफर करता है फोर टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है हमारा इंस्टीट्यूशन जो कंप्लीटली मेंटेन होता है बाय द स्टेट, जैसे कि स्टेट के द्वारा पूर्णतः अनुरक्षित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में बोला है ऐसा इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज होता है बाय द स्टेट। ठीक है, सी में बोला है ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि रिसीव करता है एड और आउट ऑफ द स्टेट फंड, कि आप यहाँ पर मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बनाया गया है वो स्टेट के द्वारा फंड इकट्ठा करे, ठीक है, और रिसीव करे फंड को और आउट करे, आउट ऑफ द मतलब राज्य के द्वारा निधि से सहायता प्राप्त करे ऐसी संस्था, तो उसमें भी ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आता है। तो हमारा नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन दैट आर नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट बट एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि एस्टैब्लिश नहीं किया जा रहा है स्टेट के द्वारा बट एडमिनिस्टर किया जाता है स्टेट के द्वारा। ठीक है, ये सब जो है हमारा 28 में दिया गया है। अब देख लेते हैं कुछ ब्रीफ में, जो 28 आर्टिकल है वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब राज्य सहायता प्राप्त संस्थान में धार्मिक शिक्षा का निषेध। एन ओवरव्यू ऑफ आर्टिकल 28 यहाँ डिस्कस किया गया है। जो हमारा आर्टिकल 28 है इज अ कैटेगरी जो रिलेट करता है टू द प्रोविजन ऑफ द रिस्ट्रेनिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड इंस्टीट्यूशन दैट आर एडेड बाय द स्टेट, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन स्पष्ट रूप से राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक निर्देशों को रोकने के प्रावधान से संबंधित। समझ में आ रहा है रश्मि? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ऊपर ऊपर से जा रहा है। ठीक है, और फिर बोला है कुछ थ्री कैटेगरी हैं दैट आर फॉल अंडर द अब मेंशन स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हमारी कुछ तीन श्रेणियां हैं जो पूरी तरह से राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं और रखे जाते हैं, जो कि राज्य से सहायता प्राप्त करते हैं और या तो ट्रस्ट या बंदोबस्ती के तहत जो है स्थापित किए, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर स्पेशली इंस्टीट्यूशन की बात की है, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो स्टेट एडेड है उनकी इंस्ट्रक्शन, और एक राज्य जो राज्य की से सहायता प्राप्त संस्थान जो कि धार्मिक शिक्षा का निषेध है, प्रोहिबिट करते हैं, मतलब कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो ओपन किए गए हैं किसकी मदद से, सरकार की तरफ से, ठीक है, स्टेट की तरफ से, और वो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो ओपन किए गए हैं स्टेट की मदद से, और साथ ही साथ बोला है वहां पर यदि रिलीजन जो हमारे धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसको प्रोहिबिट करता है हमारा ये आर्टिकल 28। ठीक है, वहां पर यही बात बोली गई है कि इसके अंतर्गत जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब इंस्टीट्यूशन से आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो बनाए गए हैं स्टेट एडेड से, मतलब जो सरकार है जो स्टेट है उसकी एड से ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, और जहां पर क्या दी जाती है जो धार्मिक शिक्षा है जो वो दी जाती है उसको प्रोहिबिट करता है हमारा 28 आर्टिकल। ठीक है, और वहां पर बोला है कि कुछ एक तीन श्रेणियां हैं, जो एक तो बोला है जो पूरी तरह से राज्य द्वारा बनाए गए हैं, जो कि हमने यहाँ भी देखा था कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो मेंटेन किए जाते हैं कंप्लीटली मेंटेन बाय द स्टेट, इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो रिसीव करते हैं एड फ्रॉम द स्टेट फंड। ठीक है, यही सब जो है वो यहाँ भी दिया गया है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो एड फ्रॉम द स्टेट हो और दोज इंस्टीट्यूशन जो एस्टैब्लिश किए जाए ट्रस्ट और हमारे एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, मतलब है ना, यहां तक समझ में आ गया? बस आप इतना समझ के लीजिए कि ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन से आप समझते हैं संस्था, ठीक है, वो बनाई जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के फंड से, स्टेट एडेड से, और उनको प्रोहिबिट किया है कि वहां पर रिलीजियस, एक धर्म की जो है वो शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी, उनको प्रोहिबिट किया गया है इस चीज से। और एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस आर्टिकल क्या है, कंफाइंड टू द स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन, इट डज नॉट अप्लाई टू द अदर इंस्टीट्यूशन दैट हैव नो कनेक्शन विद द स्टेट, ठीक है। फिर बोला है ये आर्टिकल जो है वो प्रोवाइड करता है डिस्टिंक्शन अमंग द थ्री टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि कंप्लीटली पब्लिक है, वेर एज अ रिलीजियस एजुकेशन इज कंप्लीटली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वेर एज अ स्टेट एक्ट एज अ ट्रस्टी, ठीक है, जहां पर स्टेट एक्ट करे एज अ ट्रस्टी एंड विच केस जो इम्पार्टिंग द रिलीजियस एजुकेशन और अलाउड और द इंस्टीट्यूशन एडेड बाय द स्टेट और वेर द सेंचुअल इम्पार्टिंग ऑफ द रिलीजियस एजुकेशन इज परमिटेड, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया है रश्मि? ओके जो क्लॉज वन है ऑफ द आर्टिकल 28, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टू बी इम्पार्टेड, कि कोई भी किसी भी संस्थान के द्वारा कोई धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा जो पूरी तरह से राज्य के बाहर के धन के द्वारा बनाया बनाया रखा जाता बनाए रखा जाता। एमसीक्यू पीवाईक्यू एक्चुअली ना रश्मि, मेरे को मतलब ऐसा बोला गया है मेरे को क्या सभी टीचर्स को कि आपको 15 मई तक पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है एमसीक्यू और हाँ 15 मई के बाद जो है वो कंप्लीटली एमसीक्यूज ही करवाए जाएंगे डेली प्रैक्टिस। वहां पर यूनिट वाइज, फिर हमने जैसे यूनिट वाइज उस सभी को रिवाइज किया है ना, वैसे ही यूनिट वाइज जो है वो एमसीक्यू को भी प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। हाँ तो यदि मैं इसके बीच बीच में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाने लग पड़ूं तो हो सकता है कि हमारा सिलेबस जो है वो रह जाए। तो हमारा यही टारगेट है 15 मई तक कैसे न कैसे करके हमें, तभी तो मैंने ये अभी किया, वरना मैं इतनी धीरे धीरे तो नहीं कर चल रही थी, बट ये है कि मैं एक एक चीज को डीप में बता रही थी। मतलब जब हमने आर्टिकल 14, 15 इन सभी को डिटेल में डिस्कस किया है तो वहां पर हमने एक एक चीज को देखा है, तो लेकिन उसी के बाद मैंने बहुत जल्दी, हाँ बीच में नहीं, बीच में नहीं बात करेंगे, हाँ बीच में नहीं लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ तो हमारा जो क्लॉज वन है आर्टिकल 28 वो बात करता है, प्रोवाइड करता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, हाँ बट कराएंगे, हाँ बीच में नहीं करवाएंगे बट करवाएंगे, हाँ करवाएंगे 15 मई के बाद आपके एमसीक्यूज हुए होंगे और हमारी क्या होगी, रिवीजन होगी। जब तक आप जानते हैं कि हमारा लॉ का पेपर जब भी, अभी तक देखो फॉर्म भी नहीं फिल हुए, जब आपके फॉर्म फिल होंगे और उसके बाद फिर आपके फॉर्म फिल होंगे जब एग्जाम भी स्टार्ट होगा तो हमारा लॉ का पेपर जो है वो सेकंड लास्ट शिफ्ट में होता है ना, या तो लास्ट में होगा या सेकंड लास्ट में, मतलब काफी ज्यादा लेट होगा, और उस टाइम तक तो हमें बहुत ज्यादा टाइम जो है वो मिल जाएगा पूरा एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 28 है सब क्लॉज वन जो है वो प्रोवाइड करता है दैट नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन, इसमें बोला है कि कोई भी रिलीजन मतलब किसी धार्मिक इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दी जाएगी, मतलब ऐसे यहाँ पर सिर्फ ये बोलता है कि स्टेट का अपना यदि कोई धर्म नहीं है, यदि हम कह रहे हैं कि स्टेट का धर्म नहीं है तो स्टेट से एड जो मिली है, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए हैं स्टेट के द्वारा, मतलब ऐसे कोई शिक्षण संस्थान जो कि बनाए गए हैं स्टेट के द्वारा, ठीक है, मतलब ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं होगी, यही तो बताता है हमें, क्योंकि हमारा देश, हमारा जो स्टेट है वो धर्म निरपेक्ष है, उनका अपना कोई धर्म नहीं है, जब अपना धर्म ही नहीं है तो वो हम किसी एक धर्म की शिक्षा ही क्यों देंगे, है
है ना, हमारे सामने तो सब धर्म जो है वो बराबर है, इसलिए हमारा आर्टिकल 28 आया है कि वो प्रोहिबिट करता है जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है और रिलीजियस जो शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है, उसको प्रोहिबिट करता है कि यदि आप स्टेट फंड से कोई भी इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, है ना, मतलब आप कोई भी स्टेट फंड से कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, तो वहां पर रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये बात करता है क्लॉज 1। एंड हाउ एवर द क्लॉज 2 जो है वो बात करता है हमारा ऑफ दिस आर्टिकल स्टेट दैट दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये जो प्रोविजन है जो अप्लाई नहीं होता है शैक्षणिक संस्थानों पर जिन्हें राज्य निधि से बनाया गया, जो कि मेंटेन किया, जिनको मेंटेन किया, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऐसे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए हैं स्टेट फंड से, मतलब उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, बट दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट, जो कि बनाए गए हैं किसी ट्रस्ट से, और एंडोमेंट या तो बंदोबस्ती के तहत जो है वो स्थापित किए गए हैं, ठीक है, जो स्पष्ट रूप से निहित रूप से एक या अवश्य ऐसे संस्थान संस्थान में धार्मिक निर्देश दिए जाने चाहिए, ठीक है। ये बात करता है और हमारा आर्टिकल 28 सर्कुलर 3 जो है वो एक सर्कुलर 3 जो है वो बात करता है स्टेट दैट नो पर्सन हु इज अटेंडिंग एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, कि आप समझ गए हमारे आर्टिकल 28 सर्कुलर 2 में मैंने क्या बात करी कि ऐसा, बोले ये आर्टिकल उस पर एप्लीकेबल ही नहीं होता, उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा जो कि ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, फंड दिया गया उनको, मेंटेन किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उन पर ये एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, बट ऐसे उन पर ये आर्टिकल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि मेंटेन किए गए हैं और बनाए गए हैं किसके अंडर द ट्रस्ट और एंडोमेंट से, जो कि एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली रिक्वायर्ड थ्रू द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड शुड बी कन्वेड सच इंस्टीट्यूशन। और हमारा आर्टिकल 28 सर्कुलर 3 जो है वो बात करता है स्टेट नो पर्सन हु इज अटेंडिंग एन इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में भाग ले, जो राज्य की निधि से सहायता प्राप्त करे, और जो कि एक तो बोला रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट उसमें अटेंड हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ रिसीव कर रहा है कुछ एड, ठीक है, सहायता, एड क्या होता है, फंड, क्लियर नहीं दिख रहा है, और पता नहीं क्या होता है ये, जब हमारा ना ये खत्म होने को आता है, अब देखना लक्ष्मी अब ठीक आ रहा होगा, अब धीरे धीरे हो जाएगा, मैंने थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन जो है वो चेंज किया हुआ है, अब शायद हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल एक बार सुन लीजिए रश्मि ऐसे, हाँ जी, जो हमारा आर्टिकल 28 सर्कुलर 3 जो है वो बात करता है स्टेट, बोला एज किसी कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अटेंड कर रहा है ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो कि रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट है, एक तो बोल दिया रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट है, और दूसरा बोल दिया कि वो रिसीव कर रहा है कुछ एड जो कि स्टेट फंड से दिए जा रहे हैं, एंड शेल बी रिक्वेस्टेड टू इंडल्ज ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन,
ठीक है, इंस्ट्रक्शन दैट मे बी इम्पार्टेड और इन एनी सच इंस्टीट्यूशन ऑल्सो शेल नॉट बी फोर्स और परसुएटेड टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्कशॉप दैट मे बी कंडक्टेड इन एनी सच इंस्टीट्यूशन और इन अ प्लेस अटैच टू और क्लोज टू सच इंस्टीट्यूशन। बोला है साथ ही साथ उसे किसी धार्मिक कार्यशाला में भाग लेने के लिए मजबूर या राजी नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक तो बोल दिया किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में भाग ले रहा है, ठीक है, जो कि राज्य से निधि जो है वो ले रहा है, मतलब एड ले रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है, उससे किसी भी प्रकार से धार्मिक निर्देश में शामिल होने के अनुरोध नहीं किया जाएगा। उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि आप क्या करो, किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में आप इन्वॉल्व हुई, वहां पर इन्वॉल्व होने के लिए अनुरोध जो है नहीं किया जाएगा और ऐसी किसी भी शिक्षा संस्था में प्रदान नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उसे किसी भी धार्मिक कार्यशाला में भाग लेने के लिए मजबूर जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी तक भी स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही है रश्मि। और बोला है किसी को भी हम क्या करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे, परसुएड नहीं करेंगे अटेंड करने के लिए रिलीजियस वर्कशॉप को, और किसी को भी बोला है धार्मिक कार्यशाला में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, मतलब फोर्स नहीं किया जाएगा। और जो किसी भी ऐसे संस्थान या संस्था जो जो कि जुड़े हैं करीब से किसी स्थान में आयोजित किया जा रहा है, मतलब किसी को भी हम बेसिकली क्या मतलब है कि किसी को भी हम फोर्स नहीं करेंगे कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाइए कि जहां आपको किसी रिलीजियस के रिलीजन के का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। ठीक है रश्मि, आपको सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रही हूँ? एक तो पता नहीं क्या होता है जब हमारा लास्ट की एक दो स्लाइडें रहती है ना, जैसे कि ये लास्ट स्लाइड है ना, लास्ट स्लाइड से होती है तो कोई ना कोई ये नेटवर्क का कनेक्शन हो ही जाता है खराब, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और ये केस है इन केस ऑफ द एम एस अरुणा रॉय वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2002 का केस है जिसमें अपेक्स कोर्ट नहीं दिखता। रश्मि आप क्या करिए, तब तक ऐसे ही सुन लीजिए क्योंकि हमारा जो है सेशन कंप्लीट ही होने वाला है, हमारी लास्ट स्लाइड्स चल रही है, तब ऐसे होता है। हाँ, ये तो मैं बोल रही हूँ कि हमारा कनेक्शन, हाँ तो हमारी ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है, इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप नोट्स से में से देख लीजिएगा। ठीक है, एक केस है इन केस ऑफ एम मिस अरुणा रॉय एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर 2002 का केस है जिसमें अपेक्स कोर्ट वाइल क्लेरिफाइंग द इंटेंट ऑफ आर्टिकल 28 स्टेटेड दैट इट डज नॉट बैन द स्टडी ऑफ रिलीजन, जिस केस में ये बोला गया था कि स्पष्ट करते हुए अपेक्स कोर्ट ने कहा था कि यह धर्मों के अध्ययन पर प्रतिबंध नहीं लगाता, मतलब ये आर्टिकल 28 जो है वो किसी रिलीजन के की स्टडी, मतलब आप एक रिलीजन की धर्म की शिक्षा जो धर्म को पढ़ते हो स्टडी करते हो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता। ये अनुच्छेद जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इस आर्टिकल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोहिबिट करना है इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि जो भी धार्मिक निर्देश है उनको प्रोहिबिट करना है कि कोई भी पर्सन जो है वो धार्मिक निर्देश ना दे, इंस्ट्रक्शन ना दे। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है नाउ वेयर स्टेटेड दैट इट प्रोहिबिट द स्टडी ऑफ रिलीजन फिलोसफी कल्चर मेनली व्हेन दे पोस्टुलेट वैल्यू एंड नॉलेज ऑफ द सोशल लाइफ। बोला है इस अनुच्छेद में कहीं भी नहीं कहा है कि धर्म दर्शन संस्कृति के अध्ययन को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, मुख्य रूप से जब हम मूल्य और सामाजिक जीवन के ज्ञान को मानते हैं, और बोला है कि जो हमारा इंडियन कोर्ट्स हैं जिन्होंने समय समय पर कहा है, अलग अलग केसेस में देखा है हमने, ये कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में धर्म, ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में धर्म के अध्ययन को धर्म संविधान की धर्म निरपेक्ष अवधारणा के खिलाफ जो है नहीं माना जा सकता।
मतलब इन्होंने इस केस में ये बात क्लियर कर दी कि जो हमने आर्टिकल 28 में भी देखा कि हम रिलीजन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी कि जो आर्टिकल 28 है उसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर किसी रिलीजन की स्टडी को बैन किया जा रहा है, बल्कि इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि हम इस बात पर प्रोहिबिशन लगा रहे, इस बात पर रोक लगा रहे कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो पर्टिकुलरली किसी एक धर्म की जो है धर्म के बारे में, अब शायद क्लियर हो रहा है थोड़े थोड़े, है ना? बट अब तो हमारा सेशन कंप्लीट होने वाला है। बोला है कि को इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है हमारे आर्टिकल 28 का, कि प्रोहिबिशन करना है, रोक लगाना है उस ऐसे इंस्टीट्यूशन पर, ऐसे जो संस्थाएं हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे रही है। और ये आर्टिकल हमें ये बात बताता है कि प्रोहिबिट करता है द स्टडी ऑफ रिलीजन, कि ये आर्टिकल जो है हमें ये नहीं बताता कि आप धर्म की स्टडी मत करो, फिलोसफी की स्टडी मत करो, कल्चर की स्टडी मत करो, बल्कि हमें, और हमें ये बोलता है कि आप क्या करो, संस्कृति दर्शन से प्रतिबंधित करता है, ठीक है, मुख्य रूप से जब मूल्य और सामाजिक जीवन के ज्ञान को मानते हैं, ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली है। और इसी के साथ साथ ये भी बोला है कि अलग अलग केसेस में हम देखते हैं कि संविधान के मतलब हमारे सभी शैक्षणिक संस्थान है उनमें धर्म के अध्ययन को संविधान की धर्म निरपेक्षता अवधारणा के खिलाफ जो है वो नहीं माना गया है, ठीक है, ऐसा बोला गया है। और इस केस में, और हम देखते हैं कि इस आर्टिकल का यही मतलब है कि हम आर्टिकल 28 में हमने सभी को देखा ना कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो मेंटेन किए जाते हैं बाय द स्टेट और रिकॉग्नाइज किए जाते हैं बाय द स्टेट और रिसीव और एड करते हैं बाय द स्टेट, तो इसका क्या मतलब है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब ऐसे कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉलेज बना दिया, ठीक है, ये कॉलेज बन गया, ये गवर्नमेंट का कॉलेज है, बट यहाँ बोला है यदि गवर्नमेंट का कॉलेज है तो ये हमारे, यही बोला हमने कि हमारी इंडिया क्या है, सेकुलर है, हमारा सेकुलर कंट्री है, हमारा अपना कोई धर्म नहीं है, जब हमारा अपना धर्म ही नहीं होगा तो हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा क्यों देंगे, इसलिए बोला है कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन यदि बनाया जा रहा है और वो किसी एक धर्म की शिक्षा दे रहा है तो उसको प्रोहिबिट किया जाएगा, उसको नहीं करने दिया जाएगा, किसी एक धर्म की इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दी जाएगी, मतलब राज्य के सामने यदि सभी धर्म जो है वो इक्वल है। अब बिल्कुल क्लियर हो गया है ना, खत्म होने लगा ना सेशन, तो बिल्कुल क्लियर हो गया, बट यही बोला है कि यदि सभी धर्मों के लोगों को जो है बराबर मान्यता दी गई है, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है, तो क्या है कि अब स्टेट जो है वो किसी भी स्टेट के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई इंस्टीट्यूशन है, वहां पर कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो है नहीं दी जाएगी जो कि क्या करे हमारे सॉरी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में कोई ऐसी निर्देश नहीं दिए जाएंगे, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएंगी जो एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करती है, ठीक है, ये सब जो है हमने 28 में देख लिया है। एक बार दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो हमारा आज हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया हमने देखा आर्टिकल 25 और 28 जो है, 25, 26, 27, 28 तक हमने देख लिया, जहां पर यही बात की है कि सेकुलर वर्ड का क्या मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है, और सब धर्मों के लोग जो है वो बराबर तरीके से यहाँ पर रहते हैं, हर किसी को धर्म अपनी राइट है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में एंटर हो सकता है, हम किसी को भी क्या कहेंगे, किसी को भी जबरदस्ती नहीं करेंगे अपना धर्म चेंज करने के लिए, ठीक है। जो आर्टिकल 25 सब क्लॉज ए है उसमें हमने बात देखी कि ये बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज की, फ्री प्रैक्टिस की, फ्री प्रोफेशन की प्रैक्टिस की, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यहाँ पर हमने एक एक वर्ड को समझा कि क्या मतलब होता है आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइज का, प्रोफेशन प्रोफेस ऑफ रिलीजन का क्या मतलब होता है, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन का क्या मतलब होता है, प्रैक्टिस करना किसी रिलीजन की, और हमारा ये केस है जो हमने देखा कि रेव स्टेनली स्टॉल वर्सेस जो मध्य भारत है, जिसमें हमने देखा कि बोला है कि हर एक धर्म की रक्षा करता है, गारंटी देता है, प्रोटेक्शन देता करता है हमारा आर्टिकल 25, और हम किसी भी पर्सन को क्या करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे उसके साथ किसी धर्म को चेंज करने के लिए, हर एक पर्सन की अपनी इच्छा होनी चाहिए उसको, यदि चेंज करना है तो भी और नहीं भी करना तो भी, इसका खुद का निर्णय होना चाहिए,
ठीक है, वो हमने देख लिया, सम रिस्ट्रिक्शन को भी देख लिया है, ठीक है, और बोला है कि ऐसी फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप कर रहे हो, लेकिन वो आपको पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में भी हमने देख लिया, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ये हमने 26 में देख लिया है, ठीक है। 27 में हमने बात करी कि यहाँ पर फ्रीडम दी गई है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड प्रमोशन ऑफ द एनी रिलीजन, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शन, ये तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। रश्मि, अब आप बता दीजिए कि आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा है, और यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं ऑफ करती हूँ, ठीक है। ओके रश्मि, कहीं भी कोई डाउट होगा तो मेरे को पूछ लीजिएगा, ठीक है। हैं आप? हाँ जी, और साथ ही साथ क्लास कैसी है, और ये भी बता दीजिए कि आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा है, ठीक है। थैंक यू।